अच्छा आज की क्लास में ना फर्स्ट ईयर के बच्चे भी होंगे, फर्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे नहीं आ रहे? एक सेकेंड, फर्स्ट ईयर के एक दो स्टूडेंट मुझे नजर आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, इसलिए मैंने कंबाइन किया है क्योंकि वेक्टर्स फर्स्ट ईयर में भी है न्यू बुक में और सेम ही लेवल है जो आप लोगों का है, एक्सरसाइज में फर्क है। तो जो कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी, जो पूरा डिटेल है वो इंशाल्लाह हम एक साथ पढ़ लेंगे, एक्सरसाइज जो है वो फर्स्ट ईयर वाले बाद में पढ़ लेंगे और सेकेंड ईयर वाले अलग पढ़ लेंगे। आज कोई एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी, आज मेनली कॉन्सेप्ट है सारा वही सॉल्व होगा। तो चैप्टर नंबर 9 है सेकेंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 है वेक्टर्स। नाम स्केलर्स है, वेक्टर्स है, खैर वेक्टर्स ही रखा था उन्होंने नाम। देखो अब सीन ये है कि सबसे पहले वेक्टर पढ़ने से पहले ना आप लोगों को थ्री डायमेंशन का बताना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी आप लोगों ने ग्राफ बनाया है उसमें दो ही डायमेंशन आप लिया करते थे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, दैट्स इट, आप ज्यादा नहीं लिखते थे। ये जो, अच्छा ये जो वर्ड यूज करते हो ना आप प्लेन, ये वर्ड होता है उस वक्त के उस एक्सिस के लिए जिसमें दो डायमेंशन होती है, चाहे वो एक्स वाई आप ले लो, तो उसके लिए आप प्लेन का वर्ड यूज करते हो। एक वर्ड होता है स्पेस, जब भी आप देखो स्पेस लिखा हुआ इसका मतलब वो आपसे थ्री डायमेंशन का जिक्र कर रहे हैं। तो स्पेस का मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस मौजूद है और प्लेन का मतलब टू डायमेंशन होते हैं जिसमें एक्स और वाई एक्सिस मौजूद है। अब थ्री डायमेंशन में सिस्टम क्या होता है, थ्री डायमेंशन में तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई तो आप लोग पहले पढ़ते थे, अब एक जेड जो है उसका इजाफा होगा। ये जो आपके पास बोर्ड है जिसपे हम चीजें ड्रॉ करते हैं ये टू डायमेंशन बोर्ड है, तो इस टू डायमेंशन बोर्ड के ऊपर मैं थ्री डायमेंशन की चीज बना नहीं सकता। तो अब टू डी पे आपने थ्री डी कैसे बनाना होता है, थोड़े बहुत उसके रूल्स होते हैं। उसमें सबसे पहला रूल ये है कि अगर आपने एक्स एक्सिस इस तरह बना दिया, फॉर एग्जाम्पल वाई एक्सिस इस तरह बना दिया, अब मैं तीसरा एक्सिस कहाँ पे बनाऊं, क्योंकि एक टू डायमेंशन शेप है। तो इसको बनाने का तरीका ये होता है कि ये आउट ऑफ द बोर्ड होता है इस तरीके से, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप टू डायमेंशन की बात करो तो इनके दरमियान एंगल डेफिनेटली 90 से ग्रेटर है, कुछ 120 130 आ रहा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसे नहीं होता। हकीकत में इनकी ये शेप होती है, मुझे चाहिए तीन, ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये टू डायमेंशन में आप इस तरह कर देते हैं। थ्री डायमेंशन में क्या होगा कि इस तरह तीसरा एक्सिस आ जाएगा, ठीक है, जो आप इस तरह देखोगे तब आपको नजर आएगा। और हकीकत में इनको बोलते क्या हो, आप इस सिस्टम को बोलते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसका दूसरा नाम होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें होता है कि सारे एक्सिस 90 डिग्री पे होते हैं, जैसे एक्स और वाई 90 डिग्री पे है। एक सेकंड इसको मैं फिक्स कर लूं ताकि नजर आ जाए आप लोगों को। हाँ ये इस टाइप का होता है, जैसे बोर्ड में आपको नजर आ रहे हैं ना एग्जैक्ट, वही जो आगे वाला है ना ये बिल्कुल आउटपुट निकला हुआ होता है, लेकिन टू डायमेंशन में जब आप थ्री डी चीज बनाओगे तो ऐसी बन रही होती है। तो अगर हम हम क्या इस इसको बात जी पे एक्सेस देखो कहते हैं, क्या कहते हैं, जी एक्सेस? जी एक्सिस या जेड एक्सिस एक ही बात है भाई। क्या सवाल पूछते हो तुम, खैर ये एक्स एक्सिस है, वो मैं बता दूंगा किसको एक्स लेते हैं किसको वाई लेते हैं। फिलहाल ये समझ लो कि आप इनको बोलते हो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है। ये वो सिस्टम होता है जिसमें सारे एक्सिस 90 डिग्री बना रहे होते हैं। तो अगर आप इन दोनों एक्सिस में देखो, ये वाला ये आपको 90 डिग्री नजर आ रहा है, आप इनमें देखो इसमें आपको 90 डिग्री नजर आ रहा है, आप इसको इस तरह देखो आपको 90 डिग्री नजर आ रहा है। तो टू डायमेंशन में तो शायद बस कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ये 90 डिग्री तो नहीं है, लेकिन प्रॉपर जब आप, क्योंकि हमारे जो पूरी स्पेस है वो थ्री डायमेंशन है ना, तो हम प्रॉपर इस तरह बना सकते हैं और आपको समझा सकते हैं कि जो एंगल्स हैं ये सारे 90 डिग्री बन रहे होते हैं। इनको हम बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब तीनों एक्सिस जो है ये आपस में 90 डिग्री बना रहे होते हैं। अब रही बात कि यार इनकी नेमिंग आप किस तरीके से करते हो, तो नॉर्मल दो किस्म की कन्वेंशन है, दोनों कन्वेंशन में ये वाला जो एक्सिस है ना इसको आप जेड लेते हो। अब एक कन्वेंशन है जिसमें इसको हम वाई लेते हैं और इसको एक्स लेते हैं, इसको आप राइट हैंड सिस्टम कहते हो। राइट हैंड का मतलब अगर आप ये जो अपनी थंब है ना इसको जेड की तरफ रखो और ये जो फिंगर्स है एक्स की तरफ रखो, और अगर आप रोटेट कर रहे हो और ये वाई की तरफ, मतलब आप यहाँ पे आपने फिंगर्स रखी हैं, ठीक है, और जब रोटेट करोगे तो आप वाई की तरफ आ रहे हो, मतलब एक्स से चलते हुए आप वाई की तरफ आ रहे हो। एक ये सिस्टम होता है, एक सिस्टम होता है लेफ्ट हैंड सिस्टम। उसमें क्या होगा कि एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड चाहिए आपको कि आपका थंब जेड की तरफ है, ये जो फिंगर्स है आपने एक्स की तरफ की हुई है, और जब रोटेट करोगे इसका मतलब ये एक्स है और रोटेट जब करके आओगे तो ये वाई हो जाएगा। तो लेफ्ट सिस्टम में, लेफ्ट हैंड सिस्टम में ये एक्स होता है ये वाई होता है। तो बुक जो है वो आपका राइट हैंड सिस्टम फॉलो करता है, मतलब इसको वाई बोलता है और इसको एक्स बोलता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। यूनिवर्सिटी लाइफ में हमने हमेशा ये देखा है कि टीचर्स इसको एक्स लेते थे इसको वाई लेते थे, वो फर्क नहीं पड़ता। एज फार एज अगर ये लेबल है ना तो आपको पता है कौन सा एक्सिस क्या है, अगर तो मैं लेबल ना करूं ना फिर मसला हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि दुनिया में अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं। तो दैट्स व्हाई जब लेबलिंग कर दी जाए ना तो फिर आपको मसला नहीं है, किसी को भी एक्स बोल दो आप इसको एक्स बोल सकते हो यार, कोई मसला नहीं है।
क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है ना, बोलने में क्या जा रहा है आपको। तो ये 3-डायमेंशन सिस्टम है जो आप उनको नजर आ रहा है। तो अगर आप स्टार्ट करो ना अपनी बुक में, ये जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ना उनकी 3.2 का टॉपिक है जो मैं पहले बता रहा हूँ, 3.2 में उन्होंने डिस्कस किया। और जो हमारे सेकंड ईयर के बच्चे इनका तो स्टार्ट नहीं, चैप्टर 9 के डिस्कस किया है। ये पूरा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम उन्होंने बताया है, फिर उन्होंने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सिस्टम बताया है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर किया है। अब रही बात कि आप लोगों ने जब 2 डायमेंशन में कोई पॉइंट ड्रॉ किया करते थे, ये सब थ्योरी है, अंडरस्टैंडिंग है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो सुन लो कि ये आपका ओरिजिन हुआ करता था। कोई भी पॉइंट अगर आपका यहाँ पे मौजूद है तो उस पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए थी, एक एक्स वैल्यू और एक वाई वैल्यू। और आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता सकते थे। एक्स वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि ये पॉइंट वाई से कितना दूर है, ये पूरा डिस्टेंस, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्स को। इसी तरह इस पॉइंट की जो वाई वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करता है ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, ये पूरा डिस्टेंस, ये वाई होता है। तो इन 2 वैल्यू से आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता सकते थे 2 डायमेंशन के अंदर। लेकिन 3 डायमेंशन में आपको 3 वैल्यूज चाहिए। ये वही बात है कि रियल लाइफ में जब आप ये डायमेंशन डिस्कस करते हो तो रियल लाइफ में 3 चीजें डिस्कस करते हो। आपने सुना होगा वर्ड लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और तीसरी चीज होती है ऑल्टीट्यूड। अगर 2 चीजों से आप अपनी पोजीशन नहीं बता सकते, फॉर एग्जाम्पल कितनी, फॉर एग्जाम्पल मैं जगह पे खड़ा हूं, इसका कुछ ना कुछ लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा। जैसे कराची का आइडिया 24 पॉइंट समथिंग लेटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड मुझे आइडिया नहीं है, तो कुछ ना कुछ लेटिट्यूड होगा। अगर मैं अपनी छत पे चला जाऊं उसका लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यही होगा। मैं अगर तीसरे फ्लोर पे चला जाऊं तब भी लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेम ही होगा, लेकिन मेरी पोजीशन में फर्क है। इसका मतलब मुझे तीसरी चीज चाहिए, और तीसरी चीज क्या होती है, ऑल्टीट्यूड। यहां पे जो मैं खड़ा हूं मेरी हाइट अलग है, मैं समन ऑल्टीट्यूड जब जिक्र किया जाता है ना, देखो हर चीज का रेफरेंस होता है। ऑल्टीट्यूड का रेफरेंस क्या होता है किसी को बताए, तहा को तो बताना चाहिए यार। इसको हम कहते हैं मीन सी लेवल, सी लेवल होता है दुनिया में जो आपकी पूरी अर्थ है ना, मीन बोला जाता है। मीन इसलिए क्योंकि चांद की पोजीशन पे सी लेवल चेंज होता रहता है, तो एवरेज हम लेते हैं मीन सी लेवल का। कि दुनिया का अगर आप पूरा अर्थ को देखो ना, एक सी लेवल मेंटेन हुआ है, उस सी लेवल से आप देखते हो कोई चीज कितनी ऊपर है। सी लेवल की जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड को सिंपल लैंग्वेज में हाइट कहते हो, वो 0 है, रेफरेंस आपने रखा है। अब उससे जो चीज जितनी ऊपर होगी आप बोलोगे यार उसकी हाइट फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर है, 20 मीटर है, और जो सी लेवल से नीचे है तो आप नेगेटिव का बोल दो, या सिंपल ये बोल दो कि 10 मीटर सी लेवल के नीचे है, आप इस तरह भी बोल सकते हो। तो कहने का मतलब ऑल्टीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं खड़ा हूं मेरा ऑल्टीट्यूड अलग होगा, अगर मैं सेकंड फ्लोर पे जाऊं उसका ऑल्टीट्यूड अलग होगा। तो कहने का मतलब 3 डायमेंशन की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आपने एग्जैक्ट लोकेशन बतानी। तो अगर कोई भी पॉइंट है, अब ये पॉइंट मैं इस तरह बना रहा हूं, आप लोग कहोगे सर ये तो जेड और वाई की तरह, नहीं ये पॉइंट बिल्कुल दरमियान में, उसको इस तरह समझ सकते हो, ये 3 एक्सिस है ना, ये पॉइंट के यहां पे होगा इस जगह पे। अब अगर ये पॉइंट सिंपल समझ लो, अगर आप स्पेस में जा रहे हो, दैट्स व्हाई स्पेस का वर्ड यूज किया जाता है। अगर आप स्पेस में हो, आप दरमियान में खड़े हो, अब आपकी पोजीशन लोकेट करने के लिए आपको 3 एक्सिस पता होना चाहिए, 3 डिस्टेंस आपको बताना चाहिए। क्या फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो ये वाई है, ये एक्स है और ये जेड है, तो अगर पॉइंट आपका यहाँ पे, तो आपने सबसे पहले देखना होगा यार उसकी हाइट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पॉइंट पे है तो ओरिजिन से लेके उसकी हाइट कितनी है, इसको आप इस तरह समझो। बुक ने डायग्राम एक बनाई भी है, लेकिन वो डायग्राम मेरे लिए बनाना बड़ा मुश्किल है। वो डायग्राम बन जाए तो लाइफ आप लोगों की काफी आसान हो जाएगी। तकरीबन बन गई, अच्छी डायग्राम, ये पॉइंट है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, अब आपको थोड़ा नजर आ रहा होगा इस डायग्राम में देखिए कि जो पॉइंट पी है ना, ये बिल्कुल दरमियान में, जो मैंने अभी दिखाया था ना आप लोगों को। तो अगर इस पॉइंट पी की आपने एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो आपको 3 डिस्टेंस चाहिए होंगे। कौन कौन से, इसकी 3 वैल्यूज होंगी। जैसे 2 डायमेंशन में आप 2 वैल्यूज लिखते थे ना, अब यहाँ पे आप 3 वैल्यूज लिखा करोगे, एक्स वाई जेड। एक्स वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, एक्स वैल्यू आपको बताएगी कि यहाँ पे पॉइंट है ना, ये पूरा एक्स एक्सिस है, तो ये पॉइंट कितना दूर है। अब इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि ये जो पूरा डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट यहाँ पे है ना, ये पूरा डिस्टेंस जो है ये एक्स से लॉन्ग है, बिल्कुल पैरेलल होगा इसके। तो अगर ये पॉइंट दरमियान में, तो आपने देखना है कि ये पॉइंट किस तरह, समझाऊं यार ये कंफ्यूज हो गया मैं आपको समझाते अगर कोई पॉइंट यहाँ पे उसका एक्स क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस वाई से आप मेजर कर रहे होंगे, ये पूरा एक्स होगा।
इसी तरह अगर कोई पॉइंट यहाँ पे आपने वाई मेजर करना है कि वाई का मतलब क्या है, अगर कोई पॉइंट दरमियान में होगा तो आप देखोगे ये पूरा डिस्टेंस क्या है, आपका वाई एक्सिस है। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे मेरे एक्सिस भी बड़े होते हैं सारे, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे होगा तो आप देखोगे ये पूरा वाई वैल्यू क्या है उसका, और फाइनली उस पॉइंट की जेड वैल्यू क्या होगी कि नीचे से वो कितना ऊपर है। ये जो पॉइंट यहाँ पे ना, ये आपकी फर्स्ट कर लो जमीन है पूरी है, ठीक है। ये जो पूरी हाइट है इस पॉइंट की, इस पॉइंट की जो पूरी हाइट है, ये क्या होगी जेड वैल्यू, ये पूरी इसकी हाइट है। इसी तरह इस पॉइंट को अगर आप गौर करो, ये जो एक पॉइंट की ये जो पूरी वैल्यू है, देखो ऊपर भी आप लिख सकते हो नीचे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, मतलब ये वाली साइड बराबर है ना, इसी तरह ये वाली साइड बराबर है। तो कहने का मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है ये जेड है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट करेगा बिल्कुल एक्स के पैरेलल डिस्टेंस है ना, ये पूरा डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा एक्स को। और इसी तरीके से पॉइंट अगर यहां पे, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा वाई को। मैं जितना डिटेल में समझा सकता था समझा दिया। अब ये सारी चीजें आप इमेजिन किस तरह कर रहे हो इस बात को, ये पॉइंट दरमियान में बस खड़ा है। आप ये देखोगे पॉइंट एक्स में कितना इसने ट्रेवल किया, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक और आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो उसमें, क्या कंसिडर कर लो जो पॉइंट है ना ये दरमियान में नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल यहां इस जगह पे। अब इसका मतलब क्या है, कोई स्टूडेंट बता सकता है इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चली है? अगर ये पॉइंट मूव करके मैं यहां पे ले जाऊं तो आप कोई बता सकते हैं इसकी तीनों वैल्यू में से कोई खास वैल्यू आपको पता है क्या होगी? सर एक्स जीरो हो जाएगा। पहली दफा तुमने ढंग का आंसर बताया, इसमें एक्स वैल्यू जीरो होगी उसकी वजह से। ये जो पॉइंट है ना ये बिल्कुल जेड और वाई के ऊपर है। मतलब एक और कॉन्सेप्ट मैं बताना पहले आप लोगों को भूल गया, कि जब तीन डायमेंशन होते हैं ना तो आपके तीन प्लेन होते हैं। फिलहाल तीन की बात करते हैं, कौन कौन से प्लेन होते हैं। एक होता है जेड वाई प्लेन, प्लेन मतलब टू डायमेंशन से, एक ये पूरा प्लेन है, ठीक है। एक प्लेन होता है वाई एक्स प्लेन, ये पूरा जो नीचे प्लेन आपको नजर आ रहा है ये पूरा होगा वाई एक्स प्लेन। अगर आप इसको अलग अलग कंसिडर करो तो प्लेन दो डायमेंशन बनेगी। और एक प्लेन होता है एक्स जेड, ये जो साइड वाला प्लेन आपको नजर आ रहा है जिसमें एक्स और जेड है। तो कहने का मतलब अगर कोई पॉइंट यहां पे चला जाए ना तो वो किसके ऊपर है, वो वाई जेड प्लेन के ऊपर है। मतलब वो पॉइंट जब तक आगे नहीं आएगा इसका मतलब उसने एक्स एक्स में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, वो पॉइंट यहीं पे फंसा हुआ है, तो उसकी एक्स वैल्यू जीरो होगी। वाई और जेड वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरी हाइट कितनी जेड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट वाई जेड प्लेन के ऊपर, इसका मतलब जब तक वो पॉइंट आगे नहीं आएगा मतलब उसने एक्स पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं किया, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई पॉइंट यहां पे चला जाए अब क्या होगा, बता सकते हैं क्या चीज जीरो होगी? उसने कुछ ट्रेवल ही नहीं किया अभी तो। इसका मतलब इस पॉइंट की खास बात क्या है, इसकी जो जेड वैल्यू है वो जीरो के बराबर होगी। एक्स और वाई वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करता है, ये जो पूरा डिस्टेंस है आप बोलोगे वाई, क्योंकि देखो थ्री डायमेंशन है ना, ये पूरा डिस्टेंस थ्री डायमेंशन में ऐसा है कि पॉइंट कंसीडर कर लो वाई और इसके पूरा डिस्टेंस है, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स को। अब वो जो पॉइंट जितना भी दूर होगा उसकी एक्स और वाई वैल्यू उस हिसाब से होगी, लेकिन जेड उसका जीरो होगा। और खास बात क्या है इस वाले पॉइंट की, अगर आप इस पॉइंट को देखो, ये जो पॉइंट है ये एक्स और जेड में, जब तक ये पॉइंट आगे नहीं आएगा इसका मतलब इसने वाई में कुछ ट्रेवल ही नहीं किया, इसकी वाई वैल्यू जीरो होगी। एक्स और जेड वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन इसकी वाई वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट तो हमने ये बात भी देख ली कि कोई पॉइंट अगर स्पेस में है तो आपको तीन डिस्टेंस चाहिए, तीन डिस्टेंस है ही आप जज कर पाओगे, वरना आप जज नहीं कर पाओगे। इसको इस तरह समझ लो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं दो वैल्यू को कंसीडर करता हूँ, मैं वाई और जेड को कंसीडर करता हूँ, मैं एक्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं करता फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहूंगा यार इस वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में, इस वाले इसमें कोई फर्क ही नहीं है। क्यों? इन सब पॉइंट में फर्क था एक्स वैल्यू का, वाई और जेड वैल्यू तो सेम ही है इनकी। अगर आप देखो ये सब पॉइंट जो है ये वाई और जेड से सेम ही है, ये थ्री डायमेंशन में आपको दिखने में लग रहा है ये इसकी वाई वैल्यू है, असल में ऐसा नहीं है। आप इस बॉक्स को ना थोड़ा रोटेट करके आगे ले आओ, जब रियल में देखोगे ना बॉक्स इस टाइप का पूरा बॉक्स नजर आएगा, तो आप इस बॉक्स की इस वाली साइड पे कोई भी पॉइंट पिक कर लो, सबकी वाई और जेड वैल्यू सेम होगी। फर्क किसके अंदर है? एक्स वैल्यू के अंदर। ये पॉइंट थोड़ा आगे आया है, इसकी एक्स वैल्यू थोड़ी और ज्यादा है, इसकी एक्स वैल्यू थोड़ी और, इसकी एक्स वैल्यू और। तो अगर आप कहोगे कि सर मैंने तीन डायमेंशन यूज नहीं करनी, तो मसला ये होगा कि तीनों पॉइंट जो है जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब एक ही पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, हालांकि हकीकत में इनमें फर्क है क्योंकि तीसरी डायमेंशन आपने यहाँ पे कंसिडर ही नहीं की। तो ये बताने का मकसद तीनों डायमेंशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिस्टम के अंदर। यहां तक मुझे बताओ समझ आए, कोई सवाल यहां तक?
सर ये जो बिल्कुल नीचे पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर क्यूब का, आप उसके कोऑर्डिनेट बताएं। नहीं, एक्स एक्सिस पर, ये वाला जी, ये और अच्छी बात की है। अब हम ऐसे पॉइंट लेते हैं जो एक्सिस के ऊपर है, इन पॉइंट्स की बात करते हैं। मैं ए बोल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बी बोल देता हूँ, सी बोल देता हूँ। ये पॉइंट सारे लिखे हैं जो मैंने अभी बताने थे आप लोगों को। मैंने अभी तक तीन पॉइंट डिस्कस किए। तीन पॉइंट कौन से खास खास? के जो किसी खास प्लेन के ऊपर है। जैसे अगर कोई वाई जेड प्लेन के ऊपर है तो उसकी एक्स वैल्यू क्या होगी? जीरो। जैसे आपने देखा था ये पॉइंट वाई जेड प्लेन के ऊपर था, एक्स प्लेन पे आई नहीं है, इसका मतलब इसकी एक्स वैल्यू जीरो होगी। इसी तरह मैंने डिस्कस किया था वाई एक्स प्लेन या एक्स वाई प्लेन भी आप कह सकते हैं। इस पे जो भी पॉइंट होगा, चाहे वो पॉइंट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं भी इस पूरे प्लेन में कहीं भी पॉइंट हो, उसकी जेड वैल्यू जीरो होगी। और अगर जो पॉइंट एक्स और जेड में है तो उसकी वाई वैल्यू जीरो होगी। लेकिन अगर हम बात करें एक्सिस के ऊपर, अगर कोई पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसकी वाई और जेड दोनों जीरो होगा। क्योंकि देखो सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे, अगर आप पीछे से आते जाओ, आप एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पिक करोगे उसकी वाई जेड वैल्यू जीरो होगी। क्यों? क्योंकि वाई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कि जब ये पॉइंट इस तरह मूव करे, या तो इस तरफ चला जाए या इस तरफ चला जाए, ये पूरा वाई एक्सिस है ना, ये पीछे भी जाएगा वाई एक्सिस, ये खत्म नहीं हो गया यहाँ पे। ये इसको आप नेगेटिव वाई एक्सिस बोलोगे, इसको आप नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलोगे जो पीछे जा रहा होगा, और जेड को आप ये नेगेटिव जेड एक्सिस बोलोगे। तो आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो वो नेगेटिव होंगे। तो कहने का मतलब जब तक ये जो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, अगर ये इस तरह मूव ना करें या इस तरह मूव ना करें, तो इनकी वाई वैल्यू तो जीरो रहेगी क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसी तरह जब तक ये पॉइंट ऊपर नहीं जाएंगे, मतलब जेड की तरफ ट्रेवल नहीं करेंगे, तब तक जेड इनका जीरो होगा। तो कहने का मतलब जो भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब उसकी वाई और जेड वैल्यू हमेशा जीरो होगी। टू डायमेंशन में आपने पढ़ा था, अगर जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसकी वाई वैल्यू जीरो होगी। यहाँ पे तीन एक्सिस है, इसका मतलब बाकी दो जीरो होंगे, और एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, डिपेंड करेगा उसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से। सेम वही बात, जो वाई एक्सिस के ऊपर है उसकी एक्स और वाई वैल्यू जीरो होगी, सॉरी एक्स और जेड वैल्यू। और इसी तरह अगर कोई एक्स जेड एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो उसकी एक्स और वाई वैल्यू जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट है, जब तक ये पॉइंट आगे नहीं जाएगा या जब तक ये पॉइंट इस तरफ नहीं आएगा तो उसकी एक्स और वाई तो जीरो रहेगी। जेड वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा ओरिजिन से कितना दूर है, आपको जेड वैल्यू मिल जाएगी। इन्होंने एक चीज लिखी है कि जो तीन एक्सिस है ना वो आपके स्पेस को, ये किस पेज नंबर पे लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है 317 पेज के ऊपर, 317 पेज पे एक पैराग्राफ है, उसमें चीज मेंशन की है। और अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर की बुक में, तो फर्स्ट ईयर की बुक में उन्होंने मेंशन की भी है बात, पेज नंबर 88 के ऊपर उन्होंने बोला है कि जो तीन एक्सिस है ना वो 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं। 8 ऑक्टेंट उन्होंने, ये पूरा उन्होंने वर्ड यूज किया है यहाँ पे, के द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स। अभी क्या होता है, मतलब 8 में किस तरह उन्होंने डिवाइड किया, इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि वही हम एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले रहे हैं और हम इसको इस तरह बनाते हैं। सर जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही ना? हाँ, कोऑर्डिनेट जब 3 डायमेंशन में होते हैं तो 8 कोऑर्डिनेट बनते हैं, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अभी जो मैंने एक्सिस लिए है ना, ये मैंने इस तरह लिए कि जैसे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसी तरह ये थोड़ा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसी तरह ये पॉजिटिव जेड होगा और कुछ नेगेटिव जेड होगा। तो पहले तो हमने जस्ट पॉजिटिव की बात कर रहे थे ना, अब आप सबकी बात करोगे, क्योंकि एक्सिस एक लाइन होती है, वो रुकी थोड़ी ना रहेगी, वो तो इनफाइनाइट दोनों तरफ से बढ़ रही होती है। तो अगर आप इनको देखो, टोटल 8 आपको नजर आएंगे, एक तो सामने नजर आएंगे आपको, एक डब्बा इस तरह नजर आएगा इधर, एक डब्बा इस तरह नजर आएगा, एक नीचे आएगा और एक इधर आएगा। इसी तरह सेम 4 आपको पीछे नजर आएंगे के सामने, इसको इस तरह समझ लो आप कि ये अगर आप नेट पे लिखोगे ना 8 ऑक्टेंट, तो वो डायग्राम भी आपको बहुत अच्छी सी दिखा देंगे। तो ये आपको डब्बा स्पेस नजर आ रही होगी, 4 आपको आगे नजर आएगी, इधर इधर नीचे इधर, ये 4 होंगी और 4 आपके पीछे होंगे। सर नॉर्मली हम 2 की पावर्स में काउंट करते हैं ना इनके कोऑर्डिनेट्स या फिर ऑक्टेंट्स, क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे अगर 2 डायमेंशनल है तो हम 2 की पावर 2 4 के 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, तो इसी तरह 3 है तो 2 की पावर 3 8 होगा। अगर 1 है, हां कर रहे, फॉर्मूला वैलिड है, 1 होगा तो 2 हिस्से होंगे, 2 एक्सिस होंगे तो 4 है, 3 है तो 8 है। उसके बाद एक फॉर्मूला था जो फर्स्ट ईयर वालों ने पढ़ा, सेकंड वालों ने पढ़ा, वो तो फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 2 डायमेंशन के अंदर पढ़ा था, बहुत इजी फॉर्मूला था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसका आप रूट लिया करते थे। सेम फॉर्मूला 3 डायमेंशन के अंदर भी ये है, बस एक चीज का इजाफा हो जाएगा, वो क्या है, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये इजाफा हो जाएगा।
और उन्होंने बुक ने डिराइव भी करवाया है, जाके देख लेना दो पॉइंट उन्होंने पिक किए हैं। अब यहाँ पे दो डायमेंशन थी तो आप x2 - x1 y1 - y2 करते थे, अब तीन है तो आप z1 - z2। अच्छा इसमें मैंने x2 - x1 लिखा, मैंने बताया था मैटर नहीं करता, आप x2 - x1 करो या x1 - x2 करो बात एक ही है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर मौजूद है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो। तो जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है वो थ्री डायमेंशन में आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे उसको। देखो स्केलर को समझना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं हमने स्केलर वेक्टर सबको ही पता होगा, मैं कोशिश करूंगा आज वो चीजें बताऊं जो आपको नहीं पता। वेक्टर्स पूछो क्या होता है, वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, हर बच्चा यही बोलता है। तो कोई डिफरेंट नजारे पड़ेंगे ना, जो वेक्टर्स आप जिंदगी में आपको नजर आ रहे हैं उन वेक्टर्स की तरह बात करेंगे। ये तो बड़ी बोरिंग डेफिनेशन है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसकी। खैर स्केलर वैसे तो तीन क्वांटिटी होती है, ये आप लोगों ने दो पढ़ी है इस लेवल के ऊपर, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है और तीसरी होती है टेंसर। ये आप लोगों के लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, जहां पे एक चीज होती है स्ट्रेस। ये स्ट्रेस का नाम किसी ने सुना होगा, ये वो वाली स्ट्रेस नहीं है, ये फिजिक्स के अंदर भी एक स्ट्रेस होती है, ये उसकी वाली बात हो रही है। जो स्ट्रेस है वो टेंसर क्वांटिटी होती है। हल्का उनका आइडिया दे दूंगा टेंसर का, लेकिन मेन आइडिया हमारा स्केलर है। तो बहुत ही टिपिकल डेफिनेशन है स्केलर की, ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपको बस मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए उसका। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, आपका मास, और कौन सी एग्जाम्पल है, मेरे ध्यान में नहीं आ रही, बताओ। और स्केलर क्या हो सकता है, स्पीड, टाइम, वॉल्यूम, टाइम वॉल्यूम एरिया, ये सब स्केलर है। आप इनमें बस मैग्नीट्यूड बताते हो भाई फोर का है, टेन है। हाँ ये कि मैग्नीट्यूड के अंदर आप, मैग्नीट्यूड के अंदर क्या होता है, एक वैल्यू और उसके साथ यूनिट, यूनिट होना लाजमी होता है कि आप किस यूनिट में बात कर रहे हो। तो ओवरऑल सिर्फ मैग्नीट्यूड आपके लिए काफी होता है उनको डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके लिए मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन भी आपको लाजमी बतानी पड़ती है। जैसे बहुत ही मशहूर जमाना इसकी एग्जाम्पल है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक खास डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करना। डिस्टेंस तो है ना, ओवरऑल डिस्टेंस कवर कर लो, लेकिन एक खास डायरेक्शन में डायरेक्टेड डिस्टेंस जो होता है उसको आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एक तो होता है ना कि आप घर से निकले हो, घूम घूम के अपने दोस्त के घर जा रहे हो, एक एक घर से निकलो डायरेक्ट दोस्त के घर पहुंच जाओ, दरमियान में बिल्डिंग्स उखाड़ के, वो जैसे वो क्रिश भागता था ना, क्रिश और उसकी लड़ाई हुई थी क्रिश 3 के अंदर, तो बिल्डिंग्स के अंदर घुस के पता नहीं किसी घुसे वो, पता नहीं हबीब बैंक प्लाजा में निकले, पता नहीं सीवीयू के अंदर है, इतना घुस घुस के पता नहीं कहां में निकल जाए करते थे। तो वो जो पूरा होगा ना वो डायरेक्ट डिस्टेंस है, तो डायरेक्ट घुस के अंदर से वो निकले उसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। और एक होगा जो हम इंसान लेते हैं कि गली से मोड़ मोड़ के उसके बाद पूरा डिस्टेंस जा रहे होते हैं, तो डायरेक्शन जहां पे इन्वॉल्व हो जाए वो वेक्टर्स हैं। अच्छा ये जो वेक्टर्स बताने लगा ये बहुत कॉमन वेक्टर्स हैं जो आपने अपनी जिंदगी में देखे हैं, उसमें सबसे बहुत ही कॉमन वेक्टर है जो कि वेट है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड। नॉर्मल वेक्टर्स आपने पढ़ा ना वेलोसिटी, अब फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 60 किलोमीटर पर आर की मेरी स्पीड है तो ये स्पीड ही रहेगी, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दूं कि 60 किलोमीटर पर आर से मैं फॉर एग्जांपल नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं या फॉर एग्जांपल ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, तो डायरेक्शन जब इन्वॉल्व हो जाए इसका मतलब आप उसको वेलोसिटी बोलोगे, वरना वो स्पीड ही रहती है। इसी तरीके से मास जो है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, 40 केजी मास है, 50 है, लेकिन वेट जो है भाई वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाती है, डाउनवर्ड आपका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। ये वो वेक्टर है जो आप अपनी जिंदगी में काफी देखते हो। अच्छा अगर वेट पर थोड़ा डिस्कशन करें, मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि ये मैंने बहुत अरसे पहले पूछा था, सोचा था वीडियो बनाऊं लेकिन टाइम मौका नहीं मिला, कि आप लोग जो वेट मशीन में अपना वेट मेजर करते हो तो आप पहले तो मुझे बताओ वेट का यूनिट क्या होता है, जल्दी जल्दी। न्यूटन, किलोग्राम, न्यूटन होता है, फोर्स है, न्यूटन लेंगे, बाकी यूनिट भी आप ले सकते हो, मैं एसआई सिस्टम की बात कर रहा हूँ अभी। लेकिन जब आप किसका माइक्रोफोन है, जब आप वेट मशीन की बात करते हो तो वेट मशीन में जब आप वेट मेजर करते हो वो तो केजी में करते हो, क्या मतलब, क्या वेट मेजर कर रहे होते हो आप लोग जो केजी में आ रहे हैं, मास कैलकुलेट करते हैं ना, मास कर मास से हम लोग, अच्छा सर वेट ही करते हैं क्योंकि ग्रेविटी है ना अर्थ में, तो मतलब तो फिर केजी क्यों बोलते हो, या गलत बोलते हो, न्यूटन आता है आपको ना, 40 न्यूटन वेट है आपका, क्योंकि वेट का यूनिट तो न्यूटन है, केजी का है सर, आई थिंक कन्वर्ट कर देते हैं उसमें, किसमें कन्वर्ट करते हैं, मतलब यूनिट कन्वर्जन होती है मे बी, ये बहुत अच्छा जवाब है। नॉर्मली बच्चे जवाब देते हैं कि सर हम मास मेजर करते हैं, जैसे शुरू में दिया था, तो अगर मास मेजर करते हैं ना तो गलत बात होगी, उसकी वजह क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट करना, वेट मशीन पे खड़े रहना और साथ ना अपने कोई दो बच्चों को पकड़ लेना, भाई छोटे हैं या कोई भी चीज रॉड है कुछ भी पकड़ के ना उसको प्रेस करना, आप देखोगे बढ़ता जाएगा वो, तो उसका क्या मतलब है, क्या मास बढ़ रहा है आपका, मास तो उतना ही है लेकिन रीडिंग आपको ज्यादा शो हो रही होगी,
आप उस बेड पे खड़े हो जाना, कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ चीज नजर आ रही है ना, उसको पकड़ के खींचना, मतलब जोर लगाना, ये रिएक्शन प्रोड्यूस करना, देखना आपका वेट बढ़ता जाएगा। या कोई पीछे से बंदा हल्का सा उंगली है ना, उससे वेट मशीन को दबाते रहो, तीसरा बंदा पीछे हो ना, तो आपका वेट बढ़ता जाएगा। इसका मतलब मास तो नहीं है, क्योंकि मास तो फिक्स है, वो तो नहीं बढ़ेगा। तो फिर वेट मशीन क्या वेट मेजर करती है? फिर जहन में आता है कि यार तो यूनिट तो उसका न्यूटन होना चाहिए, तेजी क्यों है? तो असल इसका जवाब ये है कि जो वेट मशीन वर्क करती है ना, सिंपल एक फिजिक्स का लॉ है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हुक्स लॉ। ये रूल ये कहता है कि जितना आप स्प्रिंग को, जितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी ना, फॉर एग्जाम्पल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कि अगर आप स्प्रिंग को जितनी फोर्स से खींचोगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी। लेकिन प्रोवाइडेड के आपको बताना चाहिए, के क्या होता है? के को आप स्टिफनेस बोलते हैं। मतलब आपने देखी होंगी कुछ सस्ती स्प्रिंग्स होती हैं जिनको अगर आप हल्की सी फोर्स लगाओ तो वो इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती हैं। और कुछ होती है जो बाइक्स में लगी हुई होती है, बाइक्स की जरा जंप देखना, उसमें जो स्प्रिंग लगी हुई है वो आप जिंदगी में भी उसको खींचो, इतनी फोर्स अप्लाई करोगे फिर भी नहीं हिलेगी वो। क्यों? क्योंकि उसका के ज्यादा है, जबकि आपकी जो सस्ती वाली है ना स्प्रिंग, उसका के कम है। जितनी के की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी हल्के से डिस्प्लेसमेंट के लिए, और जितना आपका स्प्रिंग बहुत सस्ता होगा उसकी के वैल्यू जितनी कम होगी, तो आपको हल्की सी भी फोर्स लगाओगे तो वो डिस्प्लेस कर जाएगा। ये हुक्स लॉ कहता था। लेकिन ये हुक्स लॉ उस वक्त वैलिड है कि जब आपकी स्प्रिंग सही हालत में, एक होती है स्प्रिंग की खराब हालत। खराब हालत क्या होती है? कि आपने इतना खींच दिया कि वो बेचारी लंबी होगी पूरी, तो उसके ऊपर हुक्स लॉ फिर वैलिड नहीं होता। तो ऐसी स्प्रिंग जो खींचने के बाद अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, उस पर आप ये हुक्स लॉ लगाते हैं। तो वेट मशीन मेजर क्या करती है? जब आप वेट मशीन पे चढ़ते हो ना, इसकी अगर आप एनिमेशन देखो ज्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। मैं मेरा आइडिया क्लियर कर रहा हूँ कि जब आप वेट मशीन पे चढ़ते हो ना, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो मैकेनिकल वेट मशीन की बात कर रहा हूँ, जो वो एनालॉग होती थी। मैं डिजिटल की बात नहीं कर रहा, डिजिटल पे जिसपे आते हैं 82.4 में, उसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी, आप जिसको इलेक्ट्रॉनिक आप कहते हो, मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, वो पुरानी जो होती थी जिसपे वो कांटा इस तरह मूव करता था तो आप मेजर करते थे, उसको मैकेनिकल वेट मशीन कहते हैं। तो सिंपल फिनोमेना क्या होता है, उस पर चढ़ते हो, एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, जितना आपका ज्यादा वेट है उतना स्प्रिंग वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जैसी वो स्प्रिंग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी आपको पता चल जाएगा कि आपकी फोर्स कितनी है। फॉर एग्जाम्पल कि आप चढ़े, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई स्प्रिंग के अंदर, आपके पास फोर्स आ गई, फॉर एग्जाम्पल आपकी फोर्स, फॉर एग्जाम्पल 800 न्यूटन आ गई। स्प्रिंग क्या, वो मशीन क्या करेगी, उसका जो पूरा डिजाइन इस तरह किया हुआ होता है कि जो भी आपकी फोर्स आई है ना, आप मेजर फोर्स ही कर रहे होते हो, मतलब वेट ही मेजर कर रहे होते हो, केजी में मेजर नहीं करते आप, आपने न्यूटन में मेजर किया, उसके बाद आप उसको डिवाइड करते हो 9.8 से, ग्रेविटी से। जब आप डिवाइड कर देते हो आपके पास कुछ ना कुछ वेट आ जाएगा 80 के आसपास, जो कि आपको वो मशीन दिखा देती है 80 केजी। तो हकीकत में वो मशीन मास मेजर नहीं करती, वो मेजर फोर्स ही करती है, वेक्टर क्वांटिटी करती है, डाउनवर्ड जिसकी डायरेक्शन होती है उसको वो कन्वर्ट करती है 9.8 के अंदर, तो आपको ये वेट नजर आता है। अगर आपने मजीद इसको ऑब्जर्व करना है, ये आप लोग कर नहीं सकते। अगर आप चले जाओ मून के ऊपर, कि मून पे जब आप जाओगे डिस्प्लेसमेंट आपका कम ट्रेवल होगा, फोर्स आपकी कम लगेगी, लेकिन डिवाइड ही 9.8 से कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मून पे जाने पे जो आप फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो वो फोर्स कंसीडर कर लो 400 न्यूटन है। अब हकीकत में आपको 400 न्यूटन को डिवाइड करना चाहिए था मून की ग्रेविटी से, जबकि मशीन डिवाइड कर रही होगी अर्थ की ग्रेविटी से, तो आंसर आपको कोई अजीब सा मिल रहा होगा। उसका मतलब ये आपको मास नहीं मिलता, मास मिलता तो फिर मून पे जाके मसला नहीं होता। तो वो सिंपल फोर्स मेजर करके ग्रेविटी से डिवाइड करता है, ये सिंपल फिनोमेना होता है वेट मशीन का। इसी तरीके से अगर आपने एक और जगह देखना ना कि आपकी वेट मशीन फेल हो रही है, आप किसी दिन जब किसी मॉल वॉल में जाओ, आप वेट मशीन को लेके एलिवेटर में चले जाओ, तो लिफ्ट लगी हुई होती है पूरी, जैसी वो आपका जो एलिवेटर है वो ऊपर होगा ना, जैसी फॉर एग्जाम्पल आपने टिंग टिंग कर दिया, जो भी फ्लोर आपने डिसाइड किया, जैसी वो एकदम से उठेगा ना, देखना आपका वेट ज्यादा हो जाएगा। और उसकी वजह क्या है? जैसी वो उठेगा उसकी एक्सीलरेशन होगी, तो जब एक्सीलरेशन ज्यादा होगी ना तो आप पे फोर्स ज्यादा लगेगी, फोर्स ज्यादा लगेगी तो वो ज्यादा मेजर करेगा, इसका मतलब वो आपके वेट को, मास को ज्यादा शो करेगा। तो ये मास नहीं है आपका, वो फोर्स से सारा डील कर रहा है। तो जैसे आप एलिवेटर में हल्का सा भी आप ऊपर उठोगे ना, थोड़ी देर के बाद तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन जैसी एलिवेटर उठती है तो आपको थोड़ा हैवी फील होता है। वो वजह ये होती है कि आपकी जो फोर्स है, भाई वेट क्या होता है, जब आप जमीन पे वेट अपना, मतलब जो फोर्स आप डाउनवर्ड लगा रहे हो, जमीन आपको रिएक्शन देती है ना, वो रिएक्शन आप फील करते हो। अगर आप फ्री फॉल कर रहे हो, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब आप फ्री फॉल करते हो नीचे, तो आपका वेट कुछ भी नहीं होता, वेट आपका जीरो हो जाता है। उसकी वजह क्या है? रिएक्शन ही नहीं लगता। आप जब फ्री फॉल कर रहे होगे तो कोई रिएक्शन लगाने वाला आपके ऊपर है ही नहीं। हमें वेट उस वक्त फील होता है जब कोई रिएक्शन लगा रहा होगा, जैसे एक भारी बंदा है जब वो जमीन पे चलेगा तो जमीन उस पर ज्यादा रिएक्शन कर रही होगी, क्योंकि वो जमीन पे एक्शन कर रहे हैं। तो जब आपके ऊपर नीचे वाली फोर्स, जो रिएक्शन वाली फोर्स होती है, न्यूटन थर्ड लॉ, कि जब आप इधर फोर्स लगा रहे हो नीचे भी आएगी फोर्स आपकी, तो जब वो रिएक्शन ज्यादा होगा ना,
तो आपको ज्यादा फील होगा। तो एलिवेटर में क्या होगा, जैसे ही आप एलिवेटर में उठोगे ना एकदम से, तो रिएक्शन आप पे ज्यादा लगेगा, तो आपका वेट ज्यादा शो होगा और आप फील भी ज्यादा करोगे उसको। ये पूरी साइंस चल रही होती है। तो वेट मशीन आपका मास मेजर नहीं करती, वो मेजर न्यूटन में फोर्स ही कर रही होती है, उसको डिवाइड कर दिया उसके बाद वो पूरा फिनोमेना करके आपको लग रहा होता है कि वो मास है। अर्थ पे तो आपको मास ही मिल रहा है वो, लेकिन हल्की से अगर आप कंडीशन चेंज कर दो, एलिवेटर में चले जाओ या किसी और प्लैनेट पे चले जाओ, तो अब वो चीज मास पर, क्योंकि मास अलग हो जाएगा, हालांकि मास तो आपका फिक्स है ना कहीं भी आप चले जाओ। तो फिनोमेना वेट मशीन का चल रहा होता है। यानी कहां से बात कहां स्टार्ट हुई थी, हाँ वेक्टर्स की बात कर रहे थे ना। तो वेट जो है बहुत ही मशहूर वेक्टर है, अगर आप देखो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ जो भी है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल कभी आपने देखा हो जहाज जैसे वर्क कर रहा होता है, अगर आप देखो जहाज पे जो आपका एरोप्लेन होता है इस पे बैक वक्त काफी फोर्सेस लग रही होती है, चार फोर्सेस तो लग रही होती है। किसी को पता है चार फोर्सेस कौन सी होती है जहाज के ऊपर? फॉर एग्जाम्पल हम एक जहाज बनाते हैं सस्ता था, एक ग्रेविटी की फोर्स होती है, एक रेजिस्टेंस होता है, एक इंजन की फोर्स होती है, और चार फोर्सेस लग रही होती है इसके ऊपर। सबसे पहली फोर्स जो होती है ना वो तो वेट है, सिंपल सी बात है। जो भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा, मुझे नहीं पता कि दरमियान में कहीं भी होगा, अब देख लेना इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे। तो एक तो उसका डाउनवर्ड वेट लग रही होती है, एक फोर्स इसकी ये है। तो अब जब जहाज उड़ता है तो डाउनवर्ड तो वो जहाज नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं गिरता। क्यों? ये सारे जो आपके दो विंग्स है ना, ये इस चीज का ख्याल रखते हैं। क्या करते हैं, इनका डिजाइन आपने इस तरीके से बनाया होता है कि जो पर है ना उनके नीचे प्रेशर होता है ज्यादा। अब क्यों ज्यादा होता है वो उसकी वजह है, अगर किसी को शौक है तो उनसे पूछ लेना। उसका डिजाइन ऐसे बना होता है कि जो विंग्स है ना उनके नीचे प्रेशर होता है ज्यादा और उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम होता है। तो हमेशा जो आपकी चीज है वो फ्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अगर आप नीचे प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर दो ऊपर प्रेशर कम कर दो, तो आपकी ऑटोमेटिकली चीज नीचे से ऊपर जाएगी। ये काम होता है विंग्स का, विंग्स का बस ये काम है, क्योंकि डिजाइन इस तरह किया होता है नीचे प्रेशर ज्यादा ऊपर प्रेशर कम हो। तो इसका मतलब इस तरह करने से एक अपवर्ड फोर्स आपको मिलेगी, ये वाली फोर्स जो जहाज को गिरने से रोकेगी, अपवर्ड मिलेगी, इसको आप लिफ्ट कह रहे हो, जो जहाज को लिफ्ट मिल रही होती है पूरी। इसी तरीके से ये दो फोर्सेज होगी जो अपने आपको बैलेंस कर रही। अब अगर ये बैलेंस है तो आपका जहाज इसी तरह रहेगा, अगर आपने इसको ऊपर लेके जाना है इसका मतलब लिफ्ट ज्यादा होनी चाहिए। बाकी दो फोर्सेस कौन सी होती है, अगर जहाज इस तरह जा रहा है तो जाहिर सी बात है एयर जो है वो रोकेगी इसको, इसको आप ड्रैग कहते हो एरोडायनामिक्स के में, ड्रैग होता है। क्या अगर आपने सामने से लगाई, जाहिर सी बात है आप घुस रहे हो अंदर तो सामने से प्रेशर लग रहा है। ये वही बात है जैसे अगर आप एक गाड़ी दो, पुराने जमानों में आपने देखा हो गाड़ी के डिजाइन, अभी भी आप देखो फॉर एग्जाम्पल आपकी सुजुकी की एक होती थी ना वो लियाना गाड़ी होती थी, वो काफी ऊंची गाड़ी थी, पूरी सुजुकी थी, बड़ी फ्लॉप हुई उनकी गाड़ी। इसी तरह कुछ ऐसी आपकी गाड़ी है जो भद्दी सी है, बोलान कर लो कंसीडर फॉर एग्जाम्पल, इस तरह ट्रक कर लो फॉर एग्जाम्पल। तो जब ये जाते रहे इन पे एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लगती है, तो जाहिर सी बात है इनकी जो स्पीड है वो ज्यादा बढ़ नहीं पाती। तो आजकल जो गाड़ियां आपकी आती हैं उनके अगर आप देखो शेप उन्होंने एंड पे इस टाइप की बनाई हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल एक टिपिकल गाड़ी आपकी इस टाइप की होती थी, दो पहिए नीचे, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप की गाड़ी है। तो इसमें होगा ये कि जो सामने से एयर रेजिस्टेंस आएगी वो बहुत ज्यादा होगी, स्पीड आपको एफिशिएंट मिलेगी नहीं इसमें। तो आप डिजाइन कैसे बनते हैं गाड़ी के, एक तो उसको नीचे कर दिया जाता है कि कम से कम हो, दूसरा यहाँ पे कर्व बना दिया जाता है इस टाइप की ना गाड़ी होती है फॉर एग्जाम्पल। अब जब हवा आएगी ना तो वो स्मूथली मूव कर जाएगी इसके ऊपर, ये भी पूरी एरोडायनामिक्स है कि आप डिजाइन, इसको हम बोलते हैं कि वो एयर फॉइल किस्म का डिजाइन जो विंग्स का भी होता है। तो अब जो हवा आएगी ना रेजिस्टेंस आपकी कम होगी। तो कहने का मतलब एक जो वेक्टर, अभी सारे वेक्टर्स है, एक वेक्टर लग रहा है ड्रैग, अब जाहिर सी बात है जब आप हवा में जाओगे तो जहाज पीछे चला जाएगा, रेजिस्टेंस दे रहा है, इसका मतलब आपको आगे देने के लिए भी कोई फोर्स चाहिए। और किसी को पता है वो कैसे क्रिएट करते हैं आगे लेके जाने वाली? वो जेट इंजन होते हैं, जो अगर आप देखा हो ना जहाज में इंजन लगे हुए होते हैं, उनका मकसद क्या होता है, उनका मकसद होता है कि वो हवा, फॉर एग्जाम्पल इंजन इस तरह लगा है, वो इंजन जो है ना वो हवा, एकदम से सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता, हवा हवा सारी, वो जो जेट इंजन लगा है ना उसका मुंह पीछे की तरफ है, वो सारी हवा पीछे की तरफ छोड़ेगा एकदम से हाई स्पीड पे। तो जब आप पीछे छोड़ते हो ना आप पे रिएक्शन लगता है, आप आगे जाते हो, सिंपल न्यूटन का थर्ड लॉ। तो जेट इंजन क्या करते हैं, एक बहुत ही हाई स्पीड की जो एयर है ना उसको पीछे छोड़ते हैं और आपको एक अपवर्ड, मतलब उन्होंने बैकवर्ड छोड़ा, आपको फॉरवर्ड पुश मिलेगा, तो आपका जहाज जो है वो आगे चल रहा होगा। इस डायरेक्शन में इसको आप बोलते हैं थ्रस्ट, तो सामने की तरफ ड्रैग लग रहा है, यहां से आप थ्रस्ट। इसी तरह हेलीकॉप्टर में देखोगे इसमें प्रोपेलर पंखा लगा होता है आगे, उसका भी यही काम है, उसको प्रोपेलर कहते हैं।
तो कहने का मतलब ये चार फोर्सेस तो जहाज के ऊपर लग रही होती है, सिंपल लैंग्वेज में ये तो आपको लग रही होती है। तो कहने का मतलब हर जगह आपका वेक्टर इन्वॉल्व है, जहां पे भी डायरेक्शन आ गई वेक्टर्स वहां पे आ जाएंगे, ये सिंपल वेक्टर होता है। और आखिरी चीज बता के फिर हम वो थोड़ा डेरिवेशन पे आते हैं कि टेंसर क्या होगा। टेंसर काइंड ऑफ वेक्टर्स ही होता है, लेकिन वेक्टर की ना एक डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल ये जो ड्रैग है इसकी डायरेक्शन आपको मिल गई, या तो इस डायरेक्शन में होगा ये, इसी तरह लिफ्ट है अपर डायरेक्शन में होगा। लेकिन कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके, जैसे मैंने स्ट्रेस बताया था, ये स्ट्रेस इस तरह समझ लो कि जब आप किसी चीज पे प्रेशर लगाते हो। अच्छा, प्रेशर और फोर्स में क्या फर्क होता है जल्दी से बताओ। प्रेशर एक मखसूस एरिया पे लगता है, हाँ, एरिया अगर इन्वॉल्व हो जाए तो आप उसको प्रेशर बोलोगे। जैसे एक स्टूडेंट ने अभी वो एक तस्वीर भेजी था, नहीं भेजी थी, कि जो हील्स हैं वो एलिफेंट से ज्यादा प्रेशर लगा रही होती है। अभी समझ लो अगर एक मोटा बंदा है उसको आप हील्स पहनाओ, और एक कोई पत्ती फॉर एग्जाम्पल लड़की है 40-50-60 वेट होता है आमतौर पर लड़कियों का, उसको हील पहनाओ, जमीन आसमान का फर्क है। अगर मोटे बंदे ने हील पहन ली और फॉर एग्जाम्पल आप उसको हाथ पे चढ़ा दो तो वो हाथ से निकल जाएगा पूरा, क्योंकि एक मोटे बंदे क्या वेट ज्यादा है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स बहुत ज्यादा लग रही है उसकी, और हील्स का एरिया आपको पता है कितना छोटा होता है। तो प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा, और जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो हील्स इतनी छोटी होती है और फोर्स इतनी ज्यादा लग रही है तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसी तरह स्ट्रेस क्या होती है भाई, आप जब किसी चीज पे प्रेशर लगाते हो ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, हर चीज अपने आप को रोकने की कोशिश करती है। तो जब आप प्रेशर करते हो ना तो बॉडी अंदर से रेजिस्ट करती है, उसको आप स्ट्रेस कहते हैं। ये इंजीनियरिंग में आप बहुत दफा पढ़ोगे, इसके बगैर आपकी इंजीनियरिंग हो ही नहीं सकती। जब भी आप किसी चीज को इन्वॉल्व करते हो, आप ब्रिज बना रहे हो, आप गाड़ी बना रहे हो, आप जहाज बना रहे हो, आपने देखा जहाज की जो विंडोज है वो साइड से कॉर्नर हुई भी होती है, रेक्टेंगल में कभी नहीं आपने देखी होगी, इस तरह कभी विंडो नहीं होती आपकी, हमेशा साइड से इस तरह बनी होती है, स्ट्रेस कम हो। आपने हमेशा ट्रक देखा होगा, ट्रक में हमेशा राउंड शेप होती है, पानी वाला टैंकर जो भी है होता है राउंड शेप होती है। कभी आपने देखा पानी वाला टैंकर रेक्टेंगल बना दो कॉर्नर निकले हुए, और भी रीजन है देखिए स्ट्रेस। तो कहने का मतलब ये स्ट्रेस इतनी इन्वॉल्व है ना हर जगह पे, बहुत ज्यादा आप करोगे तो स्ट्रेस की बहुत ज्यादा डायरेक्शन होती है। अगर आपके पास थ्री डायमेंशन शेप है ना तो स्ट्रेस की कहीं डायरेक्शन ये वाली होगी, इधर से ये डायरेक्शन होगी, इधर से इधर होगी, इधर से ये होगी, तो इसकी मल्टीपल डायरेक्शन है। तो ये वेक्टर इन द सेंस के डायरेक्शन इन्वॉल्व है, लेकिन डायरेक्शन इसकी मल्टीपल है। तो मैग्नीट्यूड हो और मल्टीपल डायरेक्शन हो उसको आप टेंसर कहते हो, और अगर मैग्नीट्यूड हो और एक ही डायरेक्शन हो उसको आप वेक्टर बोलते हैं, और जस्ट मैग्नीट्यूड हो तो आप उसको स्केलर बोलते हैं। ये टॉपिक मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि इसमें ये कि मैथ से निकल के ना थोड़ी फिजिक्स भी बतानी पड़ती है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है। अच्छा, अब वेक्टर्स की तरह बात करते हैं। वेक्टर की एक बहुत ही टिपिकल जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, जब भी वेक्टर्स पढ़े थे, कि एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है जिसको आप कहते हो इनिशियल पॉइंट, जिसको अभी हम एक और लव भी बोलते हैं टेल, ये इसकी टेल है, और एक होता है एंडिंग पॉइंट जिसको आप बोलते हो फाइनल पॉइंट, या टर्मिनल पॉइंट भी बोला जाता है। टर्मिनल, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, तो टर्मिनल पॉइंट मतलब यहाँ पे आपका वेक्टर खत्म हो रहा है, जिसको आप टिप भी बोल सकते हो। तो वेक्टर क्या है, दो चीजें जब रिप्रेजेंट करते हो तो जो इस पूरी चीज की लेंथ होती है वो लेंथ रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की वेलोसिटी जो है, फॉर एग्जांपल वो 50 की स्पीड से जा रहे हैं फॉर एग्जांपल ईस्ट की तरफ, और एक और बंदा है जो 100 की स्पीड पे जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो उसका एरो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जो एरो की लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना बड़ा एरो की लेंथ होगी, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये जो एरो हेड है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में आपका जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगे। ये तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब सवाल ये कि क्या कहते हैं इसको रिप्रेजेंट, लिखते कैसे हो, अल्जेब्रिकली आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, नोटेशंस क्या होती है इसकी? नोटेशन सिंपल ही होती है, या तो आप इस तरह लिख दो ए बी, फाइनल पॉइंट है ए से लेकर बी तक, आप लिख दो ए बी और उसके ऊपर आप इस तरह एरो लगा दो, तो ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कभी हम इस ए बी वेक्टर को नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल जब भी आप नाम देते हो तो स्मॉल लेटर से नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल इस ए बी वेक्टर को मैंने नाम दे दिया स्मॉल ए, तो आप इस तरह भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका भी होता है कि आप नीचे एरो लगा दो या नीचे लाइन भी लगा दी जाती है। जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे तो आपको इस तरह वेक्टर नजर आएगा कि वेक्टर लिखा होगा उसके नीचे एक लाइन लगाई भी होगी, और अगर इसके नीचे लाइन नहीं लगाई भी, इसका मतलब स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट नोटेशन होती है। तो इस तरह भी वेक्टर को लिख सकते हो। एक और वेक्टर को लिखने का तरीका है जो प्रिंटिंग में बुक्स में आपको नजर आता है कि उस अल्फाबेट को बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड अगर अल्फाबेट है, बोल्ड का मतलब सबको पता ही होना चाहिए, वर्ड तो यूज करते हो हमेशा, तो अगर वो अल्फाबेट बोल्ड हुआ है इसका मतलब वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर वो बोल्ड नहीं है इसका मतलब वो स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
लेकिन ये प्रिंटिंग में ही आप यूज कर सकते हो। वैसे अगर आप खुद लिख रहे हो तो बोल्ड करते रहोगे तो सेंस नहीं बनेगी उसके। तो वैसे हम वेक्टर को सर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और अगर कोई उसका मैग्नीट्यूड जो है उसको आप मॉड लगा के रिप्रेजेंट करते हो इस तरीके से, या खाली अगर ए वेक्टर है तो आप इसको इस तरह लिखते हो, तो ये स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। डिफरेंट नोटेशन होती है, कोई भी डिपेंड करता है किस नोटेशन में आपकी बुक में लिखा हुआ है या सवाल किस तरीके से आता है। नोटेशन बहुत ज्यादा है, डिफरेंट बुक्स है, डिफरेंट ऑथर्स है, सब अपने हिसाब से नोटेशन वहां पर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एक कॉन्सेप्ट होता है वेक्टर्स का, वो होता है फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स का मतलब पता है किसी को? जो ओरिजिन के साथ फिक्स ना हो, डायरेक्शन ना हो। वेक्टर्स है ना, इसके लिए आपको दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये वेक्टर लिखा है ना, इस वेक्टर को मैं कहीं और भी बना सकता हूँ, मैं इस वेक्टर को यहां भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेरे पास अगर सवाल में ओरिजिनल वेक्टर यहाँ पे गिवन है ना, मैं इसका फ्री वेक्टर बना सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ले जाऊंगा। क्यों? एज फार एज डायरेक्शन सेम है जी, अभी भी इसकी वही डायरेक्शन है, अभी भी इसकी वही डायरेक्शन है, जो उसकी लेंथ है अभी भी वही लेंथ है, तो उसको फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट में आप कहते हो। ये नॉर्मली आप यूज करते हो जब आप वो एडिशन करते थे, कि जब एक वेक्टर को मैं बताऊंगा, एक वेक्टर की जो हेड है जहां पे दूसरे की टेल लगाते हो, तो उसका मतलब वेक्टर को मूव कर रहे हो ना आप, तो अलाउड होता है। क्योंकि वेक्टर्स में ये मैटर नहीं करता कि यार, जब तक सवाल में गिवन ना हो कि ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। अगर एक नॉर्मल वेक्टर लिखा हुआ है जिसकी आपको बोलेंगे यार, फॉर एग्जांपल आपको वेक्टर दे दिया जाए 2i + 3j + 4k, आप इसको कहीं भी बना सकते हो, जब तक वो इनिशियल पॉइंट डिफाइन ना कर देंगे यहां से आपने स्टार्ट करना है, आप इसको कहीं भी बना दो। एज फार एज ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो वेक्टर्स के अंदर कोई शर्त नहीं है कि आपने इसको इसी तरीके से ही बनाना है। जैसे लाइन होती थी, अगर आपको याद हो तो लाइन अगर आप बनाते हो उसका फिक्स कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन है या एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है। और फॉर एग्जांपल एक लाइन इस तरह बनी हुई है, अगर मैं इस लाइन को हटा के यहाँ पे जाऊंगा तो ये दो डिफरेंट लाइन बन जाएंगी। लेकिन वेक्टर्स के अंदर ये नहीं बोल सकते दो डिफरेंट वेक्टर, ये एक ही वेक्टर है, जब तक इसकी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज ना हो ये वेक्टर एक ही माना जाएगा, अलग नहीं माना जाएगा। ये थोड़ा फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब रही बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो हमेशा वेक्टर जो है ना वो आई जे के की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है यूनिट वेक्टर का। ये सब टाइप्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो बुक में लिखे हुए हैं। उसमें एक टाइप होती है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बचपन से आप लोगों ने सुना है, जब भी वेक्टर्स पढ़े थे, कैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको आप यूनिट वेक्टर कहते हो। होता है कि जब भी आपके पास कोई वेक्टर है ना, उस वेक्टर को आप लिख कैसे सकते हो? फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? जब भी कोई वेक्टर बना हुआ होता है ना, हम कोशिश करते हैं कि यार हम उसको कंपोनेंट में ब्रेक करें। सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कंपोनेंट का मतलब, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मैं ईस्ट की तरफ गया, फिर मैं नॉर्थ की तरफ गया, इस तरीके से। तो अगर आपने डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बतानी तो आप बोलोगे इस तरह गया हूं मैं ईस्ट नॉर्थ। मैं अगर मैं डायरेक्ट यहां पे गया हूं तो उसको बताने की तरीका ना कि मैं इस पॉइंट से लेकर अगर यहां पे गया था, तो अगर आप एक्सप्लेन करो तो आप क्या बोलोगे? यार मैं पहले इससे लेके यहाँ ईस्ट पे गया था, फिर मैं ईस्ट से लेके नॉर्थ में गया था। मतलब कंपोनेंट की फॉर्म में आप इसको बता रहे हो। तो यही काम आप वेक्टर्स के साथ भी करते हो। अगर कोई वेक्टर गिवन है तो आप कोशिश करोगे इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। अब अगर हम टू डायमेंशन में बात करें तो दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है ए वाई। अगर आप थ्री डायमेंशन में बात करोगे तो आप इसको तीन कंपोनेंट में ब्रेक कर लोगे। एक कंपोनेंट होगा उसका, जैसे एक वेक्टर ये वाला है एक्स की डायरेक्शन में, एक वेक्टर ये होगा वाई की डायरेक्शन में। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको ये रिजल्टेंट जो है ये मिल जाएगा। अगर थ्री डायमेंशन की बात करो तो एक्स वाई जेड के अलावा जो वेक्टर्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, आप उनको ऐड करोगे तो रिजल्टेंट जो वेक्टर था वो आपको मिल जाएगा। तो वेक्टर को लिखने का तरीका ये होता है कि आप उसको कंपोनेंट में ब्रेक करके रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अब सवाल ये कि आई जे के कहां से आए? आई जे के यूज होता है कि जो एक्स एक्सिस है ना, इसकी डायरेक्शन हमने दे दी है आई। क्योंकि देखो यूनिट वेक्टर का सिर्फ काम होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, मैग्नीट्यूड तो उसका 1 है ना, सिंपल उसका काम क्या है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो वेक्टर के अंदर एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन है, तो ये जो एक्स के अलोंग वेक्टर है इसको आप इस तरह लिख सकते हो ए एक्स आई। क्या मतलब इसका? ए एक्स के ऊपर देखो मैंने एरो नहीं लगाया, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपका ओरिजिनल वेक्टर था ना, मैं यहां पे बना देता हूं ज्यादा अच्छा समझ आएगा, ये आपका ओरिजिनल वेक्टर था, ठीक है, जिसको मैंने ए का नाम दे दिया था। तो जब आपने इसको एक्स कंपोनेंट में लिखा इस तरीके से, तो ये वेक्टर है ना जिसको मैंने ए एक्स का नाम दिया, इस वेक्टर की कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा जिसको मैंने ax से रिप्रेजेंट किया। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन x की तरफ है। x की तरफ जो आप यूनिट वेक्टर लेते हो वो i से रिप्रेजेंट होता है। तो वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ये बहुत ही मशहूर फॉर्मूला जो आपने सीखा था, इसको इस तरह आप लोगों ने सीखा है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड।
इसको आप दूसरे तरीके से पढ़ सकते हो ना, इस मैग्नीट्यूड को उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दो। इसका मतलब वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो वही काम किया कि ax के अलोंग जो वेक्टर था उसको आपने उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने लिख दी। सेम काम इधर भी करोगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दैट्स व्हाई कोई भी जब आप वेक्टर लिख रहे होते हो ना, तो वो ax i + ay j + az k की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। वेयर i j क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। क्योंकि जो i वेक्टर होता है ये ना y की डायरेक्शन में होता है ना z की डायरेक्शन में होता है, तो उसकी x वैल्यू 1 होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका 1 है, जबकि y और z वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह अगर आप j की बात करो, j को आप वेक्टर की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो कि j जो है वो y की डायरेक्शन में 1 यूनिट होता है, बाकी ना वो x की डायरेक्शन में होता है ना z की डायरेक्शन में होता है, तो बाकी जो है वो सब 0 हो जाएंगे। और k को किस तरह लिखोगे, 0 0 1, ये लिखने का तरीका होता है। जैसे ये आपने ax बनाया है ना, ये ax वेक्टर है, तो फॉर कंसीडर कर लो ये आपकी 1 वैल्यू है, ये आपकी 2 है, ये 3 है। अगर मैं आपको बोलूं यहां पे i बना के दिखाओ, तो i ये वाला वेक्टर होगा, इसमें छोटा सा बना रही i है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 के बराबर है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, x एक्सिस के। तो ये जो i है ना, ये पूरा i वेक्टर है, इस i को आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस पूरे डिस्टेंस से। देखो वेक्टर के अंदर आपको क्या चाहिए, ये i है ना, इसको आपने बड़ा करना है, डायरेक्शन तो वही है ना इसकी जो इस ax वर्टेक्स की है, आपने इसको बड़ा करना है। कैसे बड़ा करो, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, आप क्या करो, आप इसको इसके जो बड़ा वाला ax वेक्टर था ना, इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ax है। तो जब इस पूरे मैग्नीट्यूड से आई को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आई वेक्टर बड़ा होकर इस तरह बन जाए। तो दैट्स व्हाई आप ए एक्स वेक्टर को लिख सकते हो ए एक्स आई, आई रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, और ए एक्स रिप्रेजेंट करेगा कि वेक्टर की लेंथ कितनी है। आपने उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपको डायरेक्शन तो सेम मिलेगी, जबकि उस यूनिट वेक्टर की लेंथ अब आपने बड़ी कर दी है। ये कॉन्सेप्ट होते हैं, तो हमेशा आपको वेक्टर इस फॉर्म में नजर आ रहा होता है। नॉर्मली आप यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगाते हो इस तरह, लेकिन अगर नहीं लगाया जाए तब भी ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, बेहतर तरीका होता है आप लगा दो, इनकी नोटेशन होती है, लेकिन ऐसे कोई जरूरी नहीं कि लगानी लगानी है। फॉर एग्जाम्पल आपको दो पॉइंट दिए, मैंने एक पॉइंट पी कह लो, एक पॉइंट क्यू कह लो, और आपको बोला जाए कि इन दो पॉइंट से जो वेक्टर पास कर रहा है उस वेक्टर को आपने मालूम करना है, मतलब इनिशियल पॉइंट पी है, फाइनल पॉइंट इसका क्यू है। तो एक्स वाई, अभी हम दो डायमेंशन का जिक्र करते हैं, तीसरी में आप जनरलाइज कर देना। तो बनाने का सिंपल तरीका क्या होगा, अगेन वही बात जो आपने भी फॉर्म से पढ़ा था कि इस वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड में तोड़ोगे ना, एक मैग्नीट्यूड एक होगा ये कंपोनेंट, एक होगा ये कंपोनेंट। तो सवाल ये कि आप इसको किस तरह लिखोगे, इसको लिखने का तरीका, ये जो वेक्टर है ना ये आपने निकालना है, आपको P और Q पॉइंट दे दिया गया है, आपको ये वेक्टर निकालना है। आपको पता है इस वेक्टर को हम किस तरह लिख सकते हैं, इस वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये कि AX और AY क्या होगा, ये पूरी चीज AX है, ये पूरी चीज AY है। अब AX को लिखने का तरीका क्या होगा, सिंपल आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, इस पूरे वेक्टर की लेंथ क्या है यहाँ पे। तो ये आपने याद हो, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ करते हुए बोला था कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, क्वेश्चन बता सकता है, ये वाला ये डिस्टेंस बताना है भाई, इतना मुश्किल नहीं है, अभी भी नहीं बता पा रहे। x2 minus x1, x2 minus x1 होगा ना, सिंपल ये वाला जो पूरा पॉइंट है ये x2 है और ये वाला पूरा जो x1, अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, x2 minus x1 हो जाएगा। तो सिंपल ये वाला वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, मैग्नीट्यूड है इसका x2 minus x1, और डायरेक्शन किसकी तरफ है, डायरेक्शन इसकी डेफिनेटली i वेक्टर की तरफ है ना। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे x2 minus x1 को i से, तो आपके पास ये ax वेक्टर आ जाएगा। जो मैंने अभी बताया था कि ax वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हो डायरेक्शन से, तो आपके पास वेक्टर आ जाता है। इसी तरीके से ये जो वेक्टर है ay वाला, ये कैसे निकालोगे, आपको ये पूरा मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, ये मैग्नीट्यूड क्या है, y2 minus y1, ये पूरा y2 minus y1 होगा, और ये किस डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्शन बताना है, मैग्नीट्यूड तो इसका 1 है ना, कोई फर्क नहीं पैदा करेगा, तो मैग्नीट्यूड हम खुद मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी इसका काम डायरेक्शन बताना होता है। तो इससे आपने एक फॉर्मूला निकाल ली, ये फॉर्मूला क्या है कि जब भी आपके पास दो पॉइंट गिवन है और आपने वेक्टर निकालना हो उनसे, तो निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल देता हूं 1, 2 और फॉर एग्जांपल
माइनस वन कॉमा जीरो, ये दो पॉइंट थे आपने इनको ज्वाइन करके वेक्टर बनाना था। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, सवाल में बताया जाएगा ये इनिशियल पॉइंट मतलब यहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ, ये फाइनल पॉइंट। तो निकालने का तरीका क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, ये जो पी क्यू वेक्टर है ये कैसे आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है। तो आप क्या करो, वन माइनस माइनस पॉजिटिव, ये एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया, इसके साथ आप आई लगा दो, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू क्या है टू के बराबर और वाई वन क्या है जीरो के बराबर, तो जाएगा टू माइनस जीरो जे, सॉल्व करना टू आई प्लस टू जे, ये वेक्टर आपके पास आना है। ठीक है, तो सिंपल पी क्यू वेक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, क्यू माइनस पी, मतलब जो बाद वाला पॉइंट है माइनस पहले वाला पॉइंट जो है, मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, इस तरीके से आप यहां पे वेक्टर निकाल लेते हैं। तो अगर आपको दो पॉइंट दिए मैंने और आपको वेक्टर निकालना है, सिंपल आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑर्डर ध्यान में रखना, पी क्यू लिखा हो मतलब इनिशियल पॉइंट पी है, फाइनल पॉइंट क्यू है, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट आप कर लेते हैं और आपके पास वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, आप जो फर्स्ट ईयर की न्यू बुक है उसमें मजीद टाइप्स लिखी है, आप लोगों की भी लिखी नहीं है, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए, निकालने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर रूट और इन कंपोनेंट का आप स्क्वायर कर दो, जैसे ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट है, तो अगर आपने मैग्नीट्यूड निकाला आप टू का स्क्वायर करो, आप इस टू का स्क्वायर करो, और अगर जेड कंपोनेंट है उसका भी स्क्वायर कर दो और स्क्वायर रूट ले लो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, इतना कुछ डिटेल आने की जरूरत नहीं है। फिर एक टाइप होती है इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, उन वेक्टर्स को आप बोलोगे इक्वल वेक्टर्स। एक होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, यार अगर ये वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन, हां डायरेक्शन उसकी अपोजिट कर दो, इस तरीके से बनाना जहां भी आप बना लो, आप इसको इस तरह भी बना सकते हो, आप इसको इस तरह भी बना सकते हो, वही मैंने फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया था, इस वेक्टर को उठा के आप कहीं भी आगे पीछे लेके जा सकते हो, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बस डायरेक्शन क्या है ये वाली, एग्जैक्ट ये डायरेक्शन होनी चाहिए, आप इस वाले वेक्टर को उठा के नीचे भी लेके जा सकते हो इस तरह। तो मैग्नीट्यूड लेंथ, ये लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, आप लेंथ सेम रखो और डायरेक्शन सेम रखो, आप जहां भी लेके जाना चाह रहे हो। ठीक, तो आप इस वेक्टर और इसको देखो, या अगर इसको और इसको देखो, या इसको या इसको देखो, सब में कॉमन बात क्या है कि एरो की लेंथ तो आपको सेम नजर आ रही है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन का फर्क है, अपोजिट डायरेक्शन है, अगर ये इस तरह जा रही है तो ये बिल्कुल अपोजिट उसकी जा रही है, तो उसको आप बोलोगे नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अगर ये ए है तो इसको आप लिखोगे माइनस ए, माइनस ए हम यूज करते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की नोटेशन है, कि माइनस ए लिखा हुआ इसका मतलब ये ए की अपोजिट डायरेक्शन है, ये नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर होता है। वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी में आप लोग लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ोगे, वेक्टर्स आएंगे उसके अंदर, तो अगर कॉन्सेप्ट आपके तगड़े हैं तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा आगे। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है पोजिशन वेक्टर का, भाई देखो पोजिशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो, जैसे मैंने वेक्टर यहाँ पे बनाया था ना, अगर मैं इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेता हूँ, डायरेक्शन में सेम ही रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा हो गया, अब ये वाला जो वेक्टर है ना ये क्या कराया जाएगा, पोजिशन वेक्टर, हर उस वेक्टर को आप पोजिशन वेक्टर कहोगे जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन के होता है, वो पोजिशन वेक्टर कहलाता है। फिर एक कॉन्सेप्ट है पैरेलल वेक्टर्स का, पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं कि जिनकी डायरेक्शन सेम होती है और दिखने में भी आपको पैरेलल लग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर इस टाइप का है और एक वेक्टर फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का, तो मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है दोनों का लेकिन जो डायरेक्शन है वो उनकी सेम है, इनको आप पैरेलल वेक्टर्स कहते हो, और इनको लिखने का तरीका भी होता है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है ना, फर्क इनके मैग्नीट्यूड के अंदर है, तो इनको लिखने का तरीका क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल उसको ए बोल दो, उसको बी बोल दो, तो होता है कि ए इज इक्वल टू के बी, कहने का मतलब इनमें मैग्नीट्यूड का फर्क है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये टू के बराबर है तो कंसिडर कर लो ये वन के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में फर्क है ना, तो इन सब पैरेलल वेक्टर्स को आप इस इक्वेशन में लिख सकते हो, इस इक्वेशन में क्या होता है के आपने डिसाइड करना होता है, जैसे इस सवाल में आपको लग रहा है कि ए जो है वो हाफ है, सॉरी ए जो है वो डबल है एज कम्पेयर टू बी, तो आप के की वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे, के की वैल्यू यहाँ पे टू लोगे कि ए जो है वो टू बी के बराबर है, मतलब बी वेक्टर के डबल है, तो जो भी पैरेलल वेक्टर आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है ना, फर्क क्या होगा मैग्नीट्यूड का, इसकी लेंथ छोटी होगी इसकी बड़ी होगी, तो कोई मैग्नीट्यूड के फर्क है ना, किसी नंबर के का फर्क होगा यहाँ पे, आप फॉर एग्जाम्पल अगर ये बड़ा है तो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो ये बराबर हो जाएगा उसको, तो जो भी पैरेलल वेक्टर है उनको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, के आपको डिसाइड करना पड़ता है के क्या है आपका। अच्छा, अगर के आपका पॉजिटिव है तो ये पैरेलल वेक्टर रहेंगे, और अगर के आपका नेगेटिव हो जाए, मतलब अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो
तो जब भी आप किसी वेक्टर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो अगर यहाँ पे मेरा के नेगेटिव है तो अब इसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, इस तरह मतलब अपोजिट हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। तो इनको आप एंटी पैरेलल कहते हो। पहले वाले केस में पैरेलल आप बोल रहे थे, अब आप इनको बोलोगे एंटी पैरेलल। अगर दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड अलग हो, डायरेक्शन सेम हो, तो आप इसको पैरेलल कहोगे, और डायरेक्शन अगर सेम ना हो, अपोजिट डायरेक्शन हो पूरी, तो आप फिर उनको बोलोगे एंटी पैरेलल। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अच्छा जी, बस ये आप बोलो। पोजीशन वेक्टर और फ्री वेक्टर के अंदर पैरेलल शिफ्टिंग का होता है ना डिफरेंस होता है मेन? देखो फ्री वेक्टर जो है ना ये फ्री है, मतलब आप इसको कह नहीं सकते कि इसका डिफरेंस उससे क्या है। फ्री वेक्टर ये समझ लो किसी भी वेक्टर को आपने फ्रीली बस ड्रॉ करना है। हाँ, फ्री वेक्टर और पोजीशन वेक्टर एक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओरिजिनल वेक्टर ये था, आप इसको जब इधर ड्रॉ करोगे तो ये फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फ्री वेक्टर के साथ ये पोजीशन वेक्टर भी है। एक तो आपने इस वाले वेक्टर को जो यहाँ पे था आपने उसको इधर ड्रॉ कर दिया, तो ये फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। साथ आपने इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे भी दिया था, तो आप ये बोल सकते हो कि ये फ्री वेक्टर भी है, पोजीशन वेक्टर भी है। इट टोटली डिपेंड करता है सवाल आपसे किस तरह पूछा जा रहा है, आप क्या सिचुएशन कर रहे हो, उस हिसाब से आप कुछ भी बोल सकते हो। फिर बस आखिरी टॉपिक है, एक सेकेंड, ये बातें मैंने आप लोगों को बता दी है सारे कंपोनेंट की। अच्छा, एक नल वेक्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, पता नहीं कैसे भूल गया मैं, कि लीनियर अलजेब्रा के अंदर इस वेक्टर के अगर ना हो ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहते हैं उसको। ये वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन इसकी कुछ भी हो सकती है। अब आपको नहीं पता इसकी डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक मैं एक नल वेक्टर हूँ, उसकी डायरेक्शन, अब इसकी भी कुछ ना कुछ आपको है, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दो तो जो वेक्टर बनेगा वो नल वेक्टर होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमें नहीं पता। आप किस डायरेक्शन में भी इसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड नहीं है ना, तो आप कहां पे पॉइंट करोगे। तो आप ये भी नहीं बोल सकते इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन होगी लेकिन आपको नहीं पता इसकी डायरेक्शन हम क्या ले सकते हैं। तो दैट्स व्हाट को बोलते हैं कि इसकी डायरेक्शन अनडिफाइन है या इसकी डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट है, आप नहीं डिटर्मिन कर सकते। तो डायरेक्शन का हमें नहीं पता लेकिन मैग्नीट्यूड इसका जीरो होता है। अच्छा, जो वेक्टर्स है ना इनको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर लिखा है ना ये वाला, इसको इस रोटेशन में भी लिख सकते हो, आप इसको इस पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब अगेन डिपेंड करेगा यार कि सवाल में किस तरीके से बात की गई है। इस चीज को मैं पॉइंट भी कह सकता हूँ, 2,2 आपने बहुत दफा देखा पॉइंट है, और इस चीज को मैं वेक्टर भी ट्रीट कर सकता हूँ इस तरीके से, नोटेशन का फर्क है। तब डिपेंड करेगा किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अगर वेक्टर्स की कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है फिर भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे ये जो है, अभी मैंने बोला था पॉइंट है जिसकी x वैल्यू 1 है, y वैल्यू 2 है, और इसको मैं बोल रहा हूँ ये वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट 2 है। तो कहने का मतलब आपने देखना है किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई। नोटेशन वेक्टर की ये भी होती है, आप इस तरह भी लिख सकते हो। अच्छा, एक इनकी कॉलम वेक्टर की फॉर्म भी नोटेशन होती है इस तरीके से, आप वेक्टर को इस तरह भी लिख सकते हो, x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट लिख दो। आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट से भी लिख सकते हो। अब अगेन वही बात, ये कॉन्टेक्स्ट जब चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ा था और सेकंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको मैंने कहा बताया था, ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर शायद मैंने बताया था कि ये चीज रिप्रेजेंट किसको करती थी, इंटरवल को, कि 2 से लेके मतलब अगर इसका एक्चुअल मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह चलना है, -2 से लेके 2 तक सारे नंबर्स जिसमें -2 और 2 शामिल है। अब कॉन्टेक्स्ट वहां पे डिफरेंट था, वेक्टर्स के अंदर ये चीज वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होगी जिसका एक्स कंपोनेंट -2 है, वाई कंपोनेंट 2 है, मतलब इस तरह लिखोगे। तो ये वाली नोटेशन भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, किसी भी तरीके से वेक्टर को लिख सकते हो। अच्छा जी, यूनिट वेक्टर का भी फॉर्मूला आपको बता दिया था नहीं, कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, और एक ही टॉपिक रह गया है और वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन किस तरह करनी है, वही बचपन में आपने पढ़ा था ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ, तो वो मैं बताया तो फिर किसी का सवाल हो पूछना फिर क्लास एंड करते हैं कि वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या होता है। देखो, कोई भी आपके पास दो वेक्टर है, ए और बी सी जितने भी वेक्टर्स हैं, और आपने उनको ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका क्या होता है, उनके कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करोगे। जैसे एक वेक्टर ये है, अगर एक वेक्टर ये हो तो अगर इन दोनों को आपने ऐड करना है तो इनके कंपोनेंट्स को ऐड करोगे, -2i को 2i में ऐड करना 0 हो जाएगा, तो इसका x कंपोनेंट 0 हो जाएगा, y कंपोनेंट 2 को 2 में ऐड करना 4। तो जब आप वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हो तो उनके x कंपोनेंट को आपस में ऐड करते हो, y कंपोनेंट को ऐड करते हो, इस तरह z कंपोनेंट को ऐड करते हो। तो ऐड करने का तरीका तो बड़ा इजी होता है, सबट्रैक्ट करने का तरीका भी बड़ा इजी होता है। सवाल ये है कि अगर आपको कोई बोले कि यार मैंने इन वेक्टर्स को ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैग्नीट्यूड निकालना, ऐड करना, ये तो बच्चों वाला काम है, आप लोग कर सकते हो,
असल चीज ये है कि उसका मैग्नीट्यूड मैं किस तरह निकालूं, ग्राफिकल अंदाज में चीजें किस तरह रिप्रेजेंट करती हैं, ग्राफिकल अंदाज में दो वेक्टर को कैसे ऐड कर सकता हूँ, इसके डिफरेंट रूल्स बनाए हैं। इसका पहला रूल जो है वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स है। वो रूल ये कहता है कि आपके पास अगर एक वेक्टर है उसको आप इस तरह लिखो, आपने वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, वेक्टर ड्रॉ करने के बाद आपने दूसरे वाले को जो है उसकी टेल को आपने इस पे बनाना है, टिप पे बनाना है। अबे टिप पे हमेशा वेक्टर इस तरह नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कोई एक वेक्टर इस तरह है और एक वेक्टर इस तरह है, अब आपने इसको ज्वाइन करना है, आप इसको इस तरह ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये वेक्टर इस तरह है ना, तो आप क्या करो इसको उठा के इस तरह बना दो, इसको आप उठा के दे लेना है। तो जरूरी नहीं कि पहला वेक्टर ये इस तरह ही होगा, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पहला वेक्टर इस तरह है तो आप इस तरह ऐड कर दोगे, ट्राइंगल लॉ इस तरह लगा दोगे। आसानी के लिए बताया जाता है कि अगर पहला वेक्टर इस तरह हो और दूसरा वेक्टर आपने इस तरह करना है, लेकिन वैसे तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो जो पहले की टिप है, अगर दूसरे की टेल वहां से आप रखो, ठीक है, और उसके बाद इसकी टेल को ज्वाइन कर दो दूसरे वेक्टर की टिप से, तो ये जो पूरा वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को, मतलब ए प्लस बी को। जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो ना, तो ग्राफ में किस तरह रिप्रेजेंट करता है वो, ग्राफ में ये चीज होती है, उसको आप कहते हो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। इस तरीके से आपने दो वेक्टर्स को ऐड कर दिया, तो ये जो वेक्टर है ये ए प्लस बी वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपको नजर आ रहा है, जो इसकी लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। वैसे भी आप निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। इसी तरीके से जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है, एडिशन में तो आपने देख लिया ट्राइंगल लॉ किस तरह लगाते हो, सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है उसको जरा देख लो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये चीज करनी है ए माइनस बी, अभी ए माइनस बी ग्राफ में आपको किस तरह नजर आता है, कंसिडर कर लो ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपने ए बना दिया, लेकिन अब जो बी है ना आप इसको इस तरह ट्रीट करोगे, आप इसको कहोगे ए प्लस माइनस बी, आप इस तरह ट्रीट करोगे, मतलब आप कहोगे कि माइनस बी, माइनस बी मतलब बी की अपोजिट डायरेक्शन, माइनस बी का मतलब क्या होगा बी के अपोजिट, तो ये बी था ना, तो माइनस बी का मतलब क्या होगा इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसको उठा के अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाना आपने इस तरह करना। पहले जब ये ऊपर था ऊपर बना दिया क्योंकि बी था, अब आपने ए के अंदर क्या ऐड करना है, अब आपने ए के अंदर माइनस बी ऐड करना है, तो सेम ही इसकी जो लेंथ थी लेंथ सेम ही रहेगी लेकिन डायरेक्शन आपने अपोजिट कर दिया। अब जो आपका रिजल्टेंट है वो ये वाला अपना, ये रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी का इस तरीके से, तो ये ए हो गया वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर हो गया, और ये वाला वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी को, ठीक है। तो ये इसको मैं वो भी कह देते हेड टू टेल रूल कह देते ना इसको, तो ये वो चीज है। उसके बाद एक आप लोग पढ़ोगे पैरेललोग्राम, ये भी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, किसी को याद है क्या करते थे इसमें, भूल गया, इसमें होता था कि एक वेक्टर ए आपने लिया, दूसरा वेक्टर जो है वो आप क्या करो, दूसरा वेक्टर की जो टेल है इन दोनों की टेल को आपस में ज्वाइन करो, जैसे वेक्टर बी था ना, अब आपने क्या करना है जो इसकी टेल है उसको इस टेल से ज्वाइन कर दो इस तरीके से, कि दोनों की टेल्स को आपस में ज्वाइन कर दो, ये पहला वेक्टर है इसके टेल को दूसरे वेक्टर के टेल से आपने ज्वाइन कर दी। उसके बाद आप यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लो, पैरेललोग्राम कैसे बनाओगे, वही फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ये बी है तो आप बी यहाँ पे बना सकते हो, ये भी बी के बराबर है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, इसी तरह अगर आप ए इस तरह बना रहे हो तो यहाँ पे भी आप ए बना सकते हो। तो ये जो डायगोनल है ना पैरेललोग्राम का, ये रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी को, सही है। तो आपने पहले इनको टेल से ज्वाइन किया, उसके बाद फ्री वेक्टर बनाए, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, जो डायगोनल है वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर को। मेरा सवाल एक जहन में आ रहा है, वो सवाल ये कि भाई इसमें और इसमें फर्क क्या है, बात तो वही है ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, तो फर्क क्या है ट्राइंगल लॉ में और पैरेललोग्राम लॉ में, क्या फर्क नजर आ रहा है आपको, या सेम ही है, कोर्स बढ़ाया हुआ है, क्योंकि उसमें भी एक ट्राइंगल बन रहा था, ये ए था ये बी था ये रिजल्टेंट था, ये ए है ये बी है ये रिजल्टेंट है, तो ये लंबी करने की क्या जरूरत है, देखो पैरेललोग्राम का ना वैसे लंबी की भी है आपने इसके अंदर, लेकिन एक फायदा आपको ये होता है कि आप पैरेललोग्राम से ये चीज प्रूव कर सकते हो कि जो वेक्टर एडिशन है वो कमोटेटिव है, मतलब ए प्लस बी करो या बी प्लस करो एक ही बात है, ये बस आप बताना चाह रहे होते हो, कैसे, अगर आप इस वाली सेंस में देखो, आपने नीचे वाला ट्राइंगल देखा, आप ऊपर वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, ये पूरा बी है ये पूरा क्या है ए के बराबर, तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है बी प्लस ए, तो अगर आप देखो डायगोनल तो यही है ना, ये वाला डायगोनल अगर आप नीचे वाला ट्राइंगल कंसीडर करो तो ये ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
अगर आप ऊपर वाला ट्राइंगल कंसिडर करो, बी और ए को ऐड करो, उनका रिजल्टेंट ये होगा। तो पहले अगर हम आपको ये बता रहे हैं कि यार वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होती है, ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के, मैटर नहीं करता आप ए को बी के अंदर ऐड करो या बी को बी के अंदर आप ए को ऐड करो, फर्क नहीं पड़ता, रिजल्टेंट आपका सेम ही रहता है। तो पैरेललोग्राम ये चीज काफी आसानी से आपको बता रहा है, तो ये थोड़ा फायदा है इसका एज कम्पेयर टू ट्राइंगल लॉ जो आपने पढ़ा था, सही है। और इसी को फिर जनरलाइज किया हुआ है आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं पेंटागन लॉ। वो ये है कि अगर ज्यादा वेक्टर है, ये तो आपने दो वेक्टर्स पढ़े, आपके पास ज्यादा वेक्टर है, चार वेक्टर है, पांच वेक्टर है, तो तरीका यही होगा। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो पांच वेक्टर है, तो पहला वेक्टर आपके पास इस तरह था, दूसरा वेक्टर जो है वो आपने इस तरह ज्वाइन कर लिया, वही तरीका वही है कि दूसरे की जो टेल है वो उसके टिप पे होगी। तीसरा कंसिडर कर लो इस टाइप का बन रहा था, चौथा कंसिडर कर लो इस टाइप का बन रहा था। अब देखो बुक वाली डायग्राम मैं नहीं बना रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा हूँ। तीसरा वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, ये जो वेक्टर बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल इस तरह बना रहा हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ पे लाया हूँ, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। फिर जो मे बी के पांचवा वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन ये वाली हो, करना वही है आपने, इस तरह एक दूसरे की टेल पे बनाते जाना है। तो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ठीक है। अब इन पांच का रिजल्टेंट अल्जेब्रिकली तो आप लिख सकते हो, ए बी सी डी ई को ऐड कर दो, एक्स के कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट को ऐड कर दो, आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन ग्राफिकली वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ग्राफिकली वो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कि उस जो आपके पास जो भी शेप बन रही है इसको पेंटागन नहीं बोलना चाहिए, इसको एक और अच्छा वर्ड है, क्या वर्ड बोलते हैं वो, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन लॉ, ये पेंटागॉन नहीं है, मैंने मतलब क्या लिख दिया, पॉलीगॉन लॉ है। पॉलीगॉन वो शेप होती है जिसकी जितनी भी साइड हो सकती है, दो तीन, तीन दो तो नहीं होंगी, खैर तीन, ट्राइंगल भी पॉलीगॉन होता है, स्क्वायर, चार साइडेड, फाइव साइडेड, सिक्स साइडेड, डिपेंड करेगा जितने वेक्टर्स आपके पास है उनको आप इस तरह ज्वाइन करते जाओ, जो आपके पास आखिरी बनेगा ना उसको आप आपस में ज्वाइन कर दो। और अगर पांच आपने बना लिए, खत्म हो गया वेक्टर, जो पहले वाले की जो टेल थी उसको ज्वाइन कर दो जो एंड वाले की टिप है, तो ये जो वेक्टर आएगा अब ये इनका रिजल्टेंट शो करेगा, ए बी सी डी ई का जो रिजल्टेंट है वो ये वाला वेक्टर, ठीक है, इस तरह होना है, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, ग्राफ में इस तरह से देखा जाएगा। तो पॉलीगॉन लॉ ये कहता है कि भाई आप बस ज्वाइन करते रहो और एंड पे आप जो पहले वेक्टर की टेल थी उसको एंड वाले की टिप से ज्वाइन कर दो, जो आपके पास वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट होगा। और देखो ऑर्डर डिफरेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात है, बुक में लिखी हुई थी कि पैरेललोग्राम में भी अगर आप देखो रिजल्टेंट का ऑर्डर डिफरेंट है, आप इस ऑर्डर में जा रहे हो, आप देखो इस तरह जा रहे हो, फिर इस तरह जा रहे हो, तो होना ही चाहिए था कि रिजल्टेंट का ऑर्डर इस तरह होता, मतलब एरो यहाँ पे होता कि आप इस डायरेक्शन में पूरा जा रहे होते ना, लेकिन डायरेक्शन रिजल्टेंट की चेंज हो जाती है। आप अगर इस तरह जा रहे थे तो रिजल्टेंट में दोबारा आपको उल्टी डायरेक्शन में आना पड़ता है, मतलब हकीकत में होना चाहिए था कि मैं इधर गया हूँ फिर मैं वापस आऊँ और ये डायरेक्शन हो रिजल्टेंट की, तब एक पूरी साइकिल कंप्लीट होगी, लेकिन रिजल्टेंट में डायरेक्शन उल्टी होती है। सेम चीज आपको यहाँ पे भी नजर आएगी, अब ये देखो मेरी ये डायरेक्शन है, तो हकीकत में मैं इस तरह जाता तो मजा आता मुझे, लेकिन रिजल्टेंट की डायरेक्शन उल्टी होती है, रिजल्टेंट इस तरह नहीं होगा, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये बात बुक ने मेंशन की है। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट है, कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लो। हाँ पॉलीगॉन लॉ कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक आखिरी चीज है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ये होती है अगर आप वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, वेक्टर को टू से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर को थ्री से मल्टीप्लाई किया, तो होगा ये कि डायरेक्शन सेम ही रहेगी लेकिन उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी, मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा हो जाएगा। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब स्केलर किसी नंबर को आप बोलते हो, तो अगर वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं।